रोहित शर्मा और विराट कोहली का T20 करियर खत्म। राहुल द्रविड़ ने दिए बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली का T20 करियर खत्म, राहुल द्रविड़ ने दिए संकेत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस खबर की पूरी जानकारी। उससे पहले, अगर आप भी है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बड़े फैन, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस खबर की पूरी जानकारी। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं था। रोहित शर्मा चोटिल थे और विराट कोहली को आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं के इस फैसले को भविष्य के लिए संकेत तो माना गया है। अब T20 के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने इशारा किया है कि 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम तैयार की जाएगी। द्रविड़ ने यह भी कहा है कि अब इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि सीनियर खिलाड़ी ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेले। भारत T20 फॉर्मेट को लेकर भारतीय टीम ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। टीम इंडिया की निगाहें इस साल भारत में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप फिर भी रहेगी। अब देखना ये होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 में मौका मिलता है कि नहीं, ये आगे आने वाले T20 मुकाबलों से पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की क्रिकेट की ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे इस क्रिकेटी चैनल को सब्सक्राइब करें।